good morning students today we will discuss about pandit vishnu narayan bathkande character sketch for 6 marks you can say vn bathkande or vishnu narayan a great artist now discuss karte pandit vishnu narayan has a very important place in the history of hindustani classical music Theike, beta? he was born in a respected brahmin family in a district of mumbai in a town कॉल्ड वालकेश्वर वालकेश्वर नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ कब टेन अगस्त 1860 सिक्सटी दस अगस्त अठारह ही रिसीव्ड ए लेजेसी ऑफ लव ऑफ म्यूजिक फ्रॉम इज पेरेंट्स मतलब घर से ही संगीत मिला ही वॉज एजुकेटेड एट एल्फिन स्टोन कॉलेज इन मुंबई देन ही ग्रेजुएटेड विद ए डिग्री इन लॉ इन 1885 एटी फाइव एंड ज्वाइन द लीगल प्रोफेशन इन एटीन एटी सेवन मतलब लॉ में उन्होंने लीगल प्रोफेशन एटीन एटीन सेवन में शुरू किया देन बेटा ही प्लेड सितार वेरी वेल क्योंकि फैमिली से उन्हें मिला था एंड ऑल्सो लर्न वोकल म्यूजिक ही ऑल्सो ट्रेंड इन अदर एस्पेक्टिव ऑफ क्लासिकल म्यूजिक अंडर अली हुसैन खान एंड विलायत खान उन्होंने अली हुसैन खान और विलायत खान से भी संगीत सीखा ही यूज टू फ्रिक्वेंट म्यूजिकयरफुली लिस्टन टू मैनी वोकलिस्ट एंड सितारिस्ट देन ही रियलाइज दैट द मैनी अकम्पलिस्ड आर्टिस्ट आर नोट फेमलियर विद द रूल्स ऑफ रॉग्स एंड मोर एवर दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक थ्यूरी उन्होंने देखा कि वो जो आर्टिस्ट हैं सितारिस्ट हैं वोकलिस्ट हैं वो अपनी परफॉर्मेंस तो स्टेज पर दे रहे हैं बट जो थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहे हैं मीन्स रूल रेगुलेशंस को ताक पर रख कर अपनी परफॉर्मेंसेस पहले देते थे क्योंकि प्रैक्टिकली ये एक्चुअली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें प्रैक्टिकल मेन प्रोमिनेंट रहता था बट उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे Uh, सितारिस्ट और वोकलिस्ट यानि सितार बजाने वाले और गाना गाने वाले राग गाने वाले ये म्यूज़िक को गाने वाले अपनी कॉम्पोजिशंस को एक रूल रेगुलेशंस के साथ पेश करें है ना अंडर द मैनेजमेंट ऑफ म्यूजिक तब उन्होंने बेटा इसके लिए क्या किया तब उन्होंने म्यूज़िक uh, थ्योरी में एक इन्वेंशन की ही ऑब्जर्व दैट इन नॉर्थ इंडिया देर इज राग रागने सिस्टम दैट हैज़ कम सम फॉल्ट उसमें कुछ कमियाँ थी देन ही इन्वेंटेड द नोटेशन सिस्टम सो दैट एवरी वन कैन प्रिजर्व देयर कॉम्पोजिशन मतलब नोटेशन सिस्टम का विष्कार पंडित वी एन भातखंडे ने किया देखिए कुछ इस तरह से जैसे ऊपर नोटेशन लिखी हुई है राग भीम प्लासी अगर आपने गाना है अगर आज की आपकी कोई कॉम्पोजिशन है तो उसको सा निधा पा गामा पा गामा गारे सा यानी गोरे सुख सो मोरे भावे मतलब नीचे अपने लिरिक्स लिखे और ऊपर उसकी नोटेशंस जो भी आर्टिस्ट जिसकी भी वो नोटेशंस है जिसके भी लिरिक्स है वो कुछ इस तरह से लिख कर उसको संभाल कर रख सकता था क्योंकि पहले सिर्फ रिटर्न का जो है टाइम था बेटा सो दिस वॉज द बिग अचीवमेंट फॉर म्यूजिक लवर्स देन इससे क्या हुआ सो द एवरी वन कैन प्रिजर्व देयर कंपोजिशन इट वॉज अ बिग अचीवमेंट बाय भात खंडे देन बेटा ही पब्लिश्ड ए सेट ऑफ सिक्स बुक्स एंड ए प्लस इस्टेब्लिश्ड द माधव म्यूज़िक कॉलेज इन ग्वालियर ग्वालियर में उन्होंने माधव म्यूज़िक कॉलेज बनाया जिसमें इसकी शिक्षा दी जाती थी ही ऑर्गेनाइज म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन मैनी सिटीज एक मतलब इंडिया में भी उन्होंने म्यूज़िक के कॉन्फ्रेंस की इसके रिगार्डिंग और इंडिया से बाहर भी इन दीज कॉन्फ्रेंस मैनी म्यूज़िकालसचेंज आइडियाज़ एंड प्रजेंटड दियर थ्योरीज मतलब सभी के विचारों का आदान प्रदान हुआ और थ्योरी का पता लगा दिस वाज द वेरी यूजफुल स्टेप फॉर इंडियन म्यूजिक जो कि भारतीय संगीत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा मतलब सबके आचार विचार मिले आइडियाज मिले तो उससे कुछ म्यूजिक में रहा सुधार आया देन बेटा आफ्टर दैट ही प्रिपेयर्ड संगीत क्रमिक मलिका ठीक है ना संगीत क्रमिक मलिका इज ए बिग बुक ठीक है ना ये सेवन बुक्स का जो बेटा सेट है जिसके सेवन पार्ट हैं जिसके अंदर बहुत सी रागों की नोटेशंस इन्होंने लिख कर जो है उसको आ, संभाल कर रखा उसका उसको इन्वेंट किया उसे ही आल्सो स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर म्यूज़िकन उन्होंने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड की ताकि सभी संगीतकारों को एक जो है प्लेटफॉर्म मिल सके परफॉर्म करने के लिए ठीक है ना बेटा ताकि क्रमिक पुस्तक मलिका इज ए बिग अचीवमेंट बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ किसी भी राग को आपने देखना है या उसकी नोटेशन देखनी है या उसका क्या उसका डिस्क्रिप्शन है देन यू कैन रीड क्रमिक पुस्तक मलिका ये देखिए पार्ट वन टू सेवन सात चैप्टर उनके हैं जिसमें लगभग ऑलमोस्ट सभी राग इसके अंदर लिखे हुए ठीक है ना देन बेटाटीन थर्टी फाइव ड्यू टू थाई फ्रैक्चर थाई फ्रैक्चर होने की वजह से वो उन्नीस सौ पैंतीस में जो बीमार हुए uneasy फॉर द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ मतलब सेवेंटी फाइव ईयर्स उन्होंने लाइफ जी एंड द लास्ट ईयर जो उनका छिहत्तरवा साल था सेवेंटी सिक्स ईयर था देन दिस मास्टर मास्टर माइंड ऑफ म्यूजिक पास्ट अवे ऑन नाइनटीन सेप्टेम्बर नाइनटीन थर्टी सिक्स यानी उन्नीस सितम्बर उन्नीस सौ छत्तीस को इनकी डेथ हुई इट वॉज़ अ बिग लॉस फॉर म्यूज़िक वर्ल्ड ठीक है ना बेटा मतलब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और इससे प्रभावित तो होकर ये देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक पोस्टल डिपार्टमेंट जो डाकघर जिसको बोलते हैं एक उनके नाम से टिकट जो है इशू किया उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए पे टू होमेज एक टिकट से उनको श्रद्धांजलि दी ठीक है बेटा तो ये था दिस इज द करेक्टर स्केच ऑफ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ये फोर पेजेस हैं इसको आपने नोट कर लेना बेटा ठीक है ना ये मैंने आपको बता दिया ये सेकंड पेज था इसमें उन्होंने संगीत सीखा ठीक है और सभी के कॉन्फ्रेंसिस की सभी के साथ मिलकर ठीक है ना देन उन्होंने बेटा इसमें थर्ड पेज में उन्होंने देखा कि राग रागने सिस्टम में फॉल्ट है तो उन्होंने नोटेशन सिस्टम को इन्वेंट किया जिससे सभी एपो कॉम्पोजिशन सेव कर सकें कॉन्फ्रेंसिस की इंडिया में इंडिया से बाहर देन लास्ट में उन्होंने संगीत क्रमिक पुस्तक मलिका ठीक है ना यह संगीत क्रमिक मलिका एज ए सीरीज ऑफ सेवन चैप्टर्स उन्होंने इसका जो है रिटर्न में एक बहुत बड़ी सौगात दे गए वो संगीतकारों के लिए भारतीय संगीत के प्रति उनकी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि थी तो बेटा इसको आपने लिख लेना है और इसको नोट डाउन करना है कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट बॉक्स में डाल दे थैंक यू